ओम शांति। आज नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। आज हम माँ दुर्गा के रूपों में से पहली देवी शैलपुत्री का वर्णन करेंगे। शैल का अर्थ है शिखर। माता शैलपुत्री शिखर अर्थात हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जानी जाती है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल दिखाया जाता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। कथा में सुनाते हैं कि यह पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जो सती के नाम से जानी जाती हैं। इनका विवाह शंकर जी से दर्शाया जाता है। कहते हैं सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, जिसमें शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, जो सती को अपमान लगा और वह यज्ञ में कूद कर अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर अगले जन्म में शैलराज के घर में जन्म लेती हैं और उनका नाम शैलपुत्री रखा जाता है, जिसकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। ये देवी सर्वगुण संपन्न, प्रभा मंडल पर तेज लिए हुए हैं, जिन्होंने मानव जाति का कल्याण किया था। शिखर अर्थात हिमालय की तरह ऊंची अवस्था वाली थी, जिसके हाथों में त्रिशूल और कमल पुष्प है, जो वास्तव में शैलपुत्री देवी की शक्तियों के परिचायक है। त्रिशूल अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को हरने वाली, और कमल फूल समान संपूर्ण पवित्र जीवन है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। जैसे हमने कथा में सुना कि शैलपुत्री पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की बेटी सती थी, वास्तव में हम सभी आत्माएं ब्रह्मा की संतान हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। पूर्व जन्म के कर्म अनुसार उनको नया जन्म देवी के रूप में मिला था। अर्थात हम सभी आत्माएं अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार नया जीवन प्राप्त करते हैं। पूर्व में शिवजी से विवाह का अर्थ ही है कि हर आत्मा का लक्ष्य यही है कि वो ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर ईश्वर के समान बने। शैलपुत्री की कथा में यह भी वर्णन आता है कि उनके पति को मान न मिलने पर वह सती हुई। अर्थात हम भी ईश्वर के प्रति इतनी ऊंची श्रद्धा रखें कि हम कभी भी ईश्वर की श्रीमत का उल्लंघन न करें। अपने श्रेष्ठ कर्मों और तपस्या के कारण उनको महाराजा शैलराज के घर में जन्म मिला। अर्थात हम सभी अपने श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ कर्मों से मानव का सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य से देवता बनने का प्राप्त कर सकते हैं। अब वही सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय हम देवियों को आदर्श मानकर उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें, तभी हम मनुष्य से देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति।